चले आगे बढ़ेंगे और सीधे आपको हरियाणा के राय विधानसभा लिए चलेंगे, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ सुनाते हैं आपको। स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि जब मैं यहां पर मंच पर आ रहा था तो मुझे सबसे पहले मंच पर आने के पूर्व स्वदेश और स्वधर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले राष्ट्रनायक महाराणा प्रताप के श्री चरणों में नमन करने और पुष्पांजलि करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अभिनंदन करता हूं आपका कि राष्ट्रनायकों का सम्मान कैसे होना चाहिए। महाराणा प्रताप की अश्वारोही भव्य प्रतिमा इस बात की प्रतीक है और हमें जब तक इस प्रकार के राष्ट्रनायकों का सानिध्य प्राप्त होता रहेगा, भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। यह कहते हुए आज मुझे आप सबके बीच में प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। बहन और भाइयों, महाराणा प्रताप ने उस समय जो सबसे बड़ी विदेशी हुकूमत थी, ताकत थी, उन आक्रांताओं को चुनौती दी थी। महाराणा प्रताप की लड़ाई सत्ता की लड़ाई नहीं थी और स्वाभिमान की लड़ाई थी, स्वदेश और स्वधर्म की लड़ाई थी। उन्होंने कहा था उस समय भी कि सत्ता के लिए नहीं, अगर उन्हें केवल सत्ता ही प्यारी होती तो एक बार केवल अकबर ने तो उन्हें कहा था, एक बार केवल महाराणा लिख के ही दे दे कि हम दिल्ली के अधीन कार्य करेंगे तो उनकी सत्ता को, चित्तौड़ और मेवाड़ की सत्ता को हम छेड़ेंगे नहीं। लेकिन महाराणा ने कहा नहीं, इसकी युद्ध के मैदान में इसका फैसला होगा। और बहनों और भाइयों, महाराणा प्रताप ने उस समय की जो सबसे बड़ी चुनौती थी उसका मुकाबला करते हुए अंततः अपने जीवन के कालखंड में वे सभी किले और दुर्ग अकबर से वापस लिए थे। अकबर को उस समय उन्होंने चुनौती देते हुए किस तरीके से मेवाड़ और चित्तौड़गढ़ के स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा करते हुए स्वदेश और स्वधर्म के लिए उन्होंने कार्य किया था, आज भी भारत के इतिहास का स्वर्णाक्षर इससे भरा पड़ा है। महाराणा प्रताप ने तत्कालीन समाज को जोड़ा था, वहां के मीना, कोल, भील, भामाशाह जैसे दानवीरों ने उनके साथ सहयोगी बन करके उस समय भारत की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया था। और जिस देश में भामाशाह होंगे, जिस देश में महाराणा प्रताप जैसे स्वदेश और स्वधर्म पर सर्वस्व निछावर करने वाले महावीर होंगे, उस देश का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। और आज जब हम राय की इस विधानसभा क्षेत्र में आए हैं आप सबका आह्वान करने के लिए, बहनों और भाइयों, ये चुनाव की लड़ाई भी हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाने का ही एक लड़ाई है। आपने बदलते हुए हरियाणा को देखा होगा, हरियाणा की बदलती हुई तस्वीर को देखा होगा। डबल इंजन सरकार के समय हरियाणा में जो परिवर्तन हुआ है, इस परिवर्तन को देखा होगा। परिवारवाद से ऊपर उठ करके, मत और संप्रदायवाद से ऊपर उठ करके देश के लिए कार्य करने का जज्बा हो तब देश बनता है, तब जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस हो, इन लो हो, या फिर आम आदमी पार्टी, बहनों और भाइयों,
इन लोगों के एजेंडे में कहीं देश नहीं है, आम नागरिक नहीं है, गांव नहीं है, किसान नहीं है, नौजवान नहीं है, आधी आबादी महिलाओं की आधी आबादी नहीं है। इनका एजेंडा तो संकीर्ण एजेंडा है, इनका एजेंडा तो बांटो राज करो का एजेंडा है, इनका एजेंडा बांटने वाला है। याद करिए, ये वही कांग्रेस है जिसने कश्मीर में धारा 370 लगाई थी। 370 के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई थी भारतीय जनसंघ ने, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में नारा बुलंद हुआ था, एक देश में दो प्रधान दो निशान और दो विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस सपने को साकार किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, कश्मीर में धारा 370 को हमेशा के लिए समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का काम किया है। आतंकवाद अब अपने अंतिम श्वास ले रहा है। यह आतंकवाद और उग्रवाद को पनपाया किसने? ये कांग्रेस का डीएनए है जो आतंकवाद और नक्सलवाद को पनपाया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसका सफाया कर रही है, पूरी तरह सफाया कर रही है। बहनों और भाइयों, मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं, कांग्रेस